नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यह समय आपको सावधान रहना होगा और कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। उससे पहले दोस्तों, चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ये आपकी राशि के ऑफिशियल चैनल है, तो इन्हें सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं। दोस्तों, जिंदगी तुझसे हर वक्त समझौता क्यों किया जाए, शौक जीने का है मगर इतना भी नहीं कि मर मर के जिया जाए। संकल्पों से जीवन सुधरता है, दृष्टि और दृष्टिकोण बदलता है। जीवन में ऊंचे उठते समय लोगों से अच्छा व्यवहार करें, कभी आप नीचे आए तो सामना इन्हीं लोगों से करना होगा। अच्छा दिखने के लिए नहीं किंतु अच्छा बनने के लिए जियो। हमें अपने जीवन से जुड़े अहम फैसले खुद लेने चाहिए ताकि बाद में हमें उसका अफसोस न हो। न किसी के अभाव से जियो, न किसी के प्रभाव से जियो, ये जिंदगी है आपकी, अपने अपने स्वभाव से जियो। मत जियो उसके लिए जो दुनिया के लिए खूबसूरत हो, जियो उसके लिए जो तुम्हारी दुनिया खूबसूरत बनाए। हम जिंदगी में सोचते बहुत हैं और महसूस बहुत कम करते हैं। पानी को कस कर पकड़ोगे तो हाथ से छूट जाएगा, उसे बहने दो, वो अपना रास्ता स्वयं बना लेगा। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। दैनिक राशिफल। दोस्तों, यह समय दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से प्रारंभ होगा। मित्रों या फिर सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अकेले ही कार्यों को उचित अंजाम यश में देने में सक्षम रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों, यश में दिन के दूसरे पक्ष में सावधान रहने की आपको आवश्यकता होगी। आपको बता दें कि अचानक कोई मुसीबत आपके सामने खड़ी हो सकती है तथा व्यर्थ के कार्यों में भी कोई समस्याएं व्यतीत होगा। दोस्तों, ध्यान रखें कि कभी कभी अति आत्मविश्वास तथा अहम आपके बनते कार्यों में भी रुकावट डाल सकता है, तो दोस्तों इनसे जरूर सावधान रहें। इसके उपरांत दोस्तों, आपको बता दें यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों, मौज मस्ती की तरफ अधिक ध्यान रहने की वजह से महत्वपूर्ण काम भी पीछे रह सकते हैं। दोस्तों, काम संबंधित बातों में आपको अभी रस नहीं आएगा, फिर भी दोस्तों जिन कामों को डेडलाइन आ रही है उन काम की तरफ जो है अवश्य ध्यान देना आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अधिक जिम्मेदारी बढ़ने की वजह से मन में आपका तनाव बढ़ रहा है जिससे आप बार बार भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दिन की शुरुआत में कुछ मुश्किलें सामने थोड़ी थोड़ी आ सकती है, परंतु दोस्तों आप अपने आत्मविश्वास व फिर दृढ़ निश्चय द्वारा उनका समाधान भी आसानी से ढूंढ लेंगे। दोस्तों, धार्मिक कार्यक्रम में जाने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आपके व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावशाली यश में बनाने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों, आपको बता दें कि अनावश्यक खर्चों की स्थिति यश में बनी रहेगी। अपने बजट का भी आप ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता यश में रह सकती है। विद्यार्थियों को भी कंप्यूटर संबंधी पढ़ाई में और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। उसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि अपने दायरे से बाहर निकलकर नए लोगों के साथ संपर्क जोड़ने की आप कोशिश करते रहें। दोस्तों, आपको नए मित्र बनाने की अधिक आवश्यकता है, इसलिए दोस्तों केवल खुद के ही विचारों पर रहकर आपको नकारात्मक चीज़ें ही मिलती रहेंगी। दोस्तों, इसके उपरांत आपके आसपास के जो वातावरण है इनमें बदलाव लाने की आपको कोशिश करना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों, यश समय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि यश में ग्रह गोचर बहुत ही उत्तम समय आपके लिए लेकर आने वाले हैं और दोस्तों आपके आत्मविश्वास व फिर कार्य क्षमता को और अधिक बल दे रहा है। दोस्तों, यह ग्रह गोचर आपके लिए भाग्यशाली रहने वाले हैं। दोस्तों, यह समय मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी संभव है तथा किसी सामाजिक उत्सव में भी सम्मानित होने का अवसर भी यह समय आपको प्राप्त होने वाला है। इसके बाद दोस्तों, कभी कभी किसी वजह से आपको अपने ही व्यवहार में लचीलापन बनाकर रखना चाहिए। नजदीकी मित्र या फिर भाई के साथ जो है छोटी सी बात का बड़ा जो कन्फ्यूजन को लेकर खड़ा कर सकता है।
इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि किसी विषय में आपको योग मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से आप अपने काम को या फिर अपने विचारों को योग दिशा नहीं दे पा रहे हैं। दोस्तों अपने काम के लिए आप दूसरों पर निर्भर ना रहें। किसी विषय में बढ़ रहा कन्फ्यूजन आपको बेचैन बना रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि यश में आप काम से संबंधित कोई भी निर्णय ना लें, और दोस्तों यदि व्यक्तिगत है तो निर्णय से जुड़े परिणाम का अवलोकन करके ही आगे बढ़ें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे, दिन की शुरुआत बहुत ही बेहतरीन तरीके से होंगी। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि आपके प्रति कुछ नया करने का जो आपकी इच्छा है यश में पूर्ण होगी। भाग्य का सितारा प्रबल है। दोस्तों अपने कार्यों के प्रति आपका उत्साह आपको अवश्य ही सफलता यश में दिलाने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों किसी प्रियजन से मुलाकात भी होगी जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि फिर आपके ऊपर उदासीनता व फिर नकारात्मक विचार हावी हो रहा है। फर्क इतना है कि इस बार आप दोनों बातों के बारे में उचित अधिक जो है जागरूक हैं। इसलिए दोस्तों यश में अपने अंदर नकारात्मक विचारों को मिटाने का प्रयत्न आप करते रहेंगे। खुद के अंदर सकारात्मक विचारों को देखने की कोशिश करें और आप अच्छी सफलता को इसमें प्राप्त कर पाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में बता दें आपके करियर के लिए जो समय होंगे। दोस्तों यश में वह युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे, जिससे दोस्तों अधिक आत्मविश्वास उत्पन्न होगा। यश में साझेदारी व्यवसाय संबंधी निर्णय लेना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। दोस्तों मल्टी नेशनल कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति अपने प्रोजेक्ट को यश में पूरा करने में ज़्यादा ध्यान दें, ये आपके करियर के लिए यह समय बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों बता दें यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे। दोस्तों आयात निर्यात संबंधी व्यवसाय में कुछ नुकसान होने की भी स्थिति बन रही है, इसलिए दोस्तों अभी निवेश ना करें और सावधानी बरतें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। किसी भी व्यवसाय की यात्रा को अभी स्थगित ही रखना आपके लिए उचित होगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी विदेश संबंधी कोई उपलब्धि भी यश में हासिल हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि ग्लैमर या फिर कला सौंदर्य प्रसाधन आदि से जुड़े जो भी व्यक्ति है उनके व्यवसाय में मन मुताबिक उपलब्धि भी हासिल होंगी, परंतु कर्मचारियों की गतिविधियों पर कड़ी नज़र अवश्य रखें। यश में दोस्तों विदेश संबंधी व्यवसाय में यश में कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे। दोस्तों कार्य क्षेत्र में काम का दबदबा बना रहेगा और इनकी वजह से आपके ऊपर थोड़ा सा तनाव भी रह सकता है, लेकिन दोस्तों जल्दी ही इन समस्याओं का निवारण भी हो जाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े बिजनेस में भी फायदेमंद स्थितियां बन रही है। नौकरी पेशा लोगों को भी पदोन्नति के उचित अवसर भी यश में मिलने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों आपको बता दें यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, विवाहित संबंधों में गलतफहमियों को लेकर कुछ तकरार उत्पन्न हो सकती है। अपने रिश्तों के प्रति जो है ईमानदार रहें, व्यर्थ के प्रेम संबंधों से दूरियां बनाकर ही रखें या फिर इनसे बचकर रहें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि पति पत्नी के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। प्रेम संबंधों को पारिवारिक स्वीकृति मिलने से उमंग और खुशी भरा माहौल रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों यश में पति पत्नी के संबंध तो उत्तम रहेंगे ही और आपका घर पर भी और व्यवसाय पर भी उचित सामंजस्य यश में बना रहेगा, और इनसे दोस्तों आप परिस्थितियों को बेहतर दिशा में ले जाने में भी कामयाब रहेंगे। इस उपरांत दोस्तों यश में आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपके प्रेम जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि छोटी सी गलतफहमी भी पति पत्नी के संबंधों में तनाव उत्पन्न करेगी, परंतु आपसे सूझबूझ से समस्या हल भी हो जाएगा। और दोस्तों उन्हें कोई अच्छा उपहार भी यश में देना ना भूलें, ये आपकी लव लाइफ के लिए यश में बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों किसी समय मानसिक तनाव बढ़ सकता है। शांत रहने का प्रयास करें तथा मेडिटेशन में भी कुछ समय अवश्य व्यतीत करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि एसिडिटी व फिर कब्ज जिससे शिकायत रह सकती है, तरल पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करें, ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर रहने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, स्वास्थ्य अंत में ठीक होगा, परंतु दोस्तों सिर्फ अत्यधिक तनाव के कारणों से आपको अपना बचाव करना चाहिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें बेहतर होंगे और इनसे अपने स्वास्थ्य को आप बहुत अच्छे तरीके से संभाल भी पाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा गुलाबी और भाग्यशाली अंक रहेगा 5।